हम हर बॉल रखते हैं, हर तरीके की बॉल रखते हैं, हर बॉलर चेंज करते हैं, तब भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन वाला शॉट ले देता है। आप कोई सर ऐसी ट्रिक बताओ जिससे कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन वाले को कंफ्यूज किया जाए। तो आज यह वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। यह वीडियो काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। तो दोस्तों, मैं आज इसमें बताऊँगा कन्फ्यूज़ कैसे करें लेफ्ट हैंड बैट्समैन वालों को, जिससे कि वो 6 और 4 ना ले पाए। उससे पहले, इस चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में घंटी दबा देना हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और एक लाइक कर देना। ये दो काम कर दीजिए दोस्तों, और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं यही है, मैं आप लोगों, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। पास नथान बॉलर हो, नथान बॉलर के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं विकटों में रखूंगा इस गोल सर्कल को, और मैं जो स्विंग लूँगा ना, फुल अच्छा स्विंग लूँगा। अच्छा स्विंग लेने के लिए स्काई ब्लू चॉइस कर लेना, ठीक है। लो दोस्तों, इस पर नहीं उड़ा पाए नथान की बॉल पर। अब हम विकटों में नहीं रखेंगे, थोड़ा सा मैं हर एंगल बदलते हुए दिखा हुआ, ठीक है। अब मैं थोड़ा इससे हट के बॉल रखता हूँ, जैसे कि मैंने बॉल रखी यहाँ पर, ये गोल सर्कल। अब मैंने स्काई ब्लू से थोड़ा ऊपर दे गया, देखता हूँ कितना स्विंग होता है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा स्विंग नहीं हुआ, लेकिन तब भी इसमें सिर्फ इसको 3 रन ही मिलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 4 और 6 नहीं आया, तो नथान बॉलर यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, बहुत बढ़िया बॉलर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे मैं दूसरा बॉलर लेता हूँ, राजेश। राजेश की बॉल देखो कितनी अच्छी गुगली होगी। आप राजेश, अगर आपके पास है तो आप राजेश लेके देख सकते हो, देखते हैं राजेश की बॉल पे रन आएगा या नहीं आएगा। इतनी मैंने और दूसरी साइड की तरफ चॉइस करी, और मैंने 6.8 डिग्री रख दी। विकटों में बॉल रखी है, लो दोस्तों विकटों में बॉल रखी, इसने तब भी नहीं उड़ा पाया। तो यहाँ पर राजेश बॉलर भी पास हो गया। आप ऐसी ही स्पीड रखना जैसे मैं रख रहा हूँ, आप रिमाइंड करके देख लेना वीडियो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे गोल सर्कल रख रहा हूँ, अब मैं थोड़ा इधर की साइड गोल सर्कल रखता हूँ, और मैंने फिर यहाँ पे इसको कंफ्यूज करने के लिए मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रखा जेम्स, रख दिया। लो दोस्तों, जेम्स की भी बॉलिंग देख लेते हैं भाई। पहले मैंने राजेश कंफ्यूज कर रहा था, यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर ली। लो दोस्तों, बहुत आसानी से विकेट आउट हो सकती थी, लेकिन नहीं, बच गया। ऐसे आप लोगों को बॉलर कोई और दिखाना है, और आप मेरी ट्रिक्स पे काम करने लग जाना। आप पहले अपना कोई और बॉलर दिखाना, फिर मेरी ट्रिक पर काम करना। अब यहाँ पर राजेश को देखते हैं, फिर मैंने बॉलर यहाँ पर हर कोई चेंज कर रहा हूँ मैं। लो दोस्तों, राजेश की बॉल पर भी नहीं उड़ा पाया बंदा। अब मैंने राजेश को मैंने दूसरी साइड से भी दिखाया था, और इस साइड से भी दिखाया था, तो आप ऐसी चॉइस कर सकते हो। मैंने फिर जेम्स लिया, फिर मैं स्काई ब्लू की स्पिन लूँगा, बिकॉज जेम्स का अच्छा स्पिन होता है। लो दोस्तों, इसमें भी इसके ज़्यादा रन नहीं आए, 3 रन मिले या 2 रन मिलेंगे, 2 रन मिले यहाँ पे, सॉरी 3 रन मिल गए यहाँ पे। अब हमारी बारी यही है, अब हमें सिर्फ 6 बॉलों में 13 रन चाहिए। डिफेंस करके भी खेलेंगे, आराम से जीत सकते हैं, कोशिश पूरी है खेलने की। अब इस बंदे ने भी पहला लेग स्पिनर राजेश को लिया है, देखते हैं यार इस बॉल पे, नहीं जेम्स को लिया है। शॉर्ट लेने, नो बॉल, पहली नो बॉल, और यहाँ पे मेरा पहली बॉल पे छक्का चला गया। एक बॉल में भी अभी तो कोई बॉल नहीं आई, सिर्फ 7 रन आ चुके, वाह। यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला। ओ, ये तो मिस हो गई यार, अच्छा अच्छी स्पिन हुई है, मिस हो गई मुझसे थोड़ी सी। मैं इसको ना दिखा रहा हूँ विकटों में दे, लेकिन मैं विकटों में आ जाऊँगा भाई, विकटों से डर के रहना थोड़ा भाई। क्या बात है, इसकी 2 की 2 बॉलें, अच्छी स्पिन हो गई, मैं मार नहीं पाया भाई। अच्छा, अब अच्छी बॉलिंग कर रहा है बंदा, लेकिन मैच तो मैं ही जीतूँगा भाई, कुछ भी करो। राजेश को लिया है, राजेश का गुगली होती है, जेम्स को ही लिया है। चलो भाई जी, अब आगे आ रहा है भाई थोड़ा, ये विकटों में देगा पक्का। लो नो बॉल, मैंने लेफ्ट हैंड साइड के, सॉरी राइट हैंड साइड शॉट ले दी। लो दोस्तों,